बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का फोर्थ पार्ट है, जिसमें हम रिफ्लेक्स एक्शन को स्टडी करेंगे और फीडबैक मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम रिफ्लेक्स एक्शन को स्टडी कर लेते हैं। एक्चुअली दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक होता है वॉलंटरी एक्शन, यानी ऐसा एक्शन जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, जो कॉन्शियस कंट्रोल में होता है। दूसरे रिएक्शंस होते हैं इनवॉलंटरी, जो कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते, उनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि कुछ इनवॉलंटरी एक्शंस ही होते हैं, लेकिन उनको हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर लेता है। ऐसे रिस्पॉन्स को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। यानी है ये एक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स, लेकिन इसको प्रोड्यूस कर रहा है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। अब नर्व इम्पल्सिस क्या करती है, एक महसूस रास्ते को फॉलो करती है रिफ्लेक्स एक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए। उस पाथवे को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। इसकी एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है जो मैं आपको पिक्चर्स के जरिए समझाऊंगा। यानी क्या हुआ कि आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया। अब हॉट ऑब्जेक्ट को टच करने की वजह से आपकी स्किन में जो टेम्परेचर रिसेप्टर्स है और जो पेन रिसेप्टर्स है वो स्टिमुलेट हो गए। अब ये मैसेज चला गया स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। स्पाइनल कॉर्ड याद रहे कि कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर रहा है। अब ये स्पाइनल कॉर्ड जो है वो आगे मैसेज भेजेगा अफेक्टर्स की तरफ। अफेक्टर्स आपकी मसल्स हैं। अब आपकी जो मसल्स है वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट बैक, यानी कॉन्ट्रैक्ट करेगी पीछे की तरफ, यानी हाथ जो है वो पीछे की तरफ आ जाएगा। इस तरह से ये एक इनवॉलेंट्री एक्शन है। आपने एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया और आपने अपना हाथ वापस पीछे की तरफ मोड़ लिया, ये है एक इनवॉलेंट्री एक्शन। लेकिन इसमें आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है। यानी एक ऐसा इंसान जिसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम सही तरह से काम नहीं कर रहा, जिसको हम आम जुबान में मजनू या पागल कहते हैं, वो भी जब उनका भी आप हाथ अगर आग में डालेंगे तब अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लेंगे, क्योंकि ये एक इनवॉलेंट्री एक्शन है। इसमें कॉन्शियस कंट्रोल का कोई काम नहीं है। लेकिन ये रिफ्लेक्स एक्शन इसलिए हम इसे कह रहे हैं क्योंकि इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड इस रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल के तौर पर समझाया। स्टूडेंट्स, अब हम इस टॉपिक से हट के अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं फीडबैक मैकेनिज्म का, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम एंडोक्राइन सिस्टम्स को तफसील से डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है हमारा फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे कि इसका नाम जाहिर हो रहा है, फीडबैक मैकेनिज्म, यानी आप फीडबैक से अपने प्रोसेस को रेगुलेट करेंगे। यानी जो प्रोसेस का आउटपुट है, उस आउटपुट को आपने उसी प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए यूज़ करना है। इसकी एग्जांपल से हम इसे मज़ीद क्लियर करेंगे। इसके दो टाइप्स हैं, एक है नेगेटिव फीडबैक, एक है पॉजिटिव फीडबैक। अब नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, अगर आउटपुट की वजह से प्रोसेस डिक्रीज हो जाए, उसका रेट कम हो जाए या बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो ऐसे फीडबैक को हम कहेंगे नेगेटिव फीडबैक। लेकिन अगर इसके मुतजाद, अगर पॉजिटिव फीडबैक उसको कहेंगे कि अगर चेंज की वजह से, अगर उस आउटपुट की वजह से जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाए, उसका रेट बढ़ जाए, एक्सलरेट हो जाए, तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव फीडबैक। इसको हम एग्जांपल्स की मदद से देखते हैं। नेगेटिव फीडबैक की सबसे पहले हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। अब ग्लूकोज बढ़ने की वजह से आपकी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस होगी, ताकि वो ग्लूकोज लेवल को कम कर सके। अब इंसुलिन ने क्या करना है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर देना है। अब जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होने की वजह से इंसुलिन की रिलीज सिक्रेशन भी कम हो जाएगी। यानी आउटपुट ने हार्मोन की सिक्रेशन को कम कर दिया, यानी एक नेगेटिव फीडबैक है। इसी तरह जब आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है नॉर्मल कंडीशन से, उस केस में जो आपका पैंक्रियाज है वो ग्लूकागॉन रिलीज करेगा। अब ये ग्लूकागॉन क्या करेगा, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा। अब जब इसने ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा दिया, तो अब ग्लूकागॉन इसकी सिक्रेशन कम हो जाएगी, क्योंकि अब जब एक दफ़ा ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है तो ग्लूकागॉन अब इनहिबिट हो जाएगा, अब वो सिक्रेशन नहीं करेगा। यानी ये भी एक नेगेटिव फीडबैक है। यानी आउटपुट ने क्या किया, प्रोसेस को डिक्रीज़ कर दिया या फिर उसको मुकम्मल तौर पर इनहिबिट कर दिया। इसके मद्दे मुकाबिल हमने पॉजिटिव फीडबैक को देखा था, जिसके आउटपुट ने प्रोसेस की स्पीड को स्पीड अप कर दिया था। उसकी बड़ी सिंपल सी एक एग्जांपल है कि जो इन्फेंट होता है या बेबी होता है, वो अपनी मदर के जब ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा होता है, जितनी ज़्यादा वो सकलिंग करता है उतना ज़्यादा ही
हार्मोन रिलीज होता है, यानी उतना ज़्यादा ही मिल्क जो है प्रोड्यूस होता है। तो ये पॉजिटिव फीडबैक एग्जांपल है, यानी आउटपुट जो है वो प्रोसेस को बढ़ा रहा है, प्रोसेस के को स्पीड अप कर रहा है, उसके रेट को बढ़ा रहा है। तो यहाँ तक हमारा फीडबैक मैकेनिज्म की बात थी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने देखा फीडबैक मैकेनिज्म को, और उसके साथ साथ हमने बात की रिफ्लेक्स एक्शन की। इसके बाद हमारा इस चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक रह गया है, वो है इंडोक्राइन ग्लैंड, जो इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होगी। कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि क्या चीज़ इंप्रूव करनी है, क्या चीज़ मैंने मिस कर दी है, उनके जवाब आपको दूंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आप सबका शुक्रिया।